व्हाट्स अप गाइज। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन टिकटॉक के बारे में जिसकी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है आजकल। इसका सिचुएशन कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसकी रेटिंग 4.6 थी, बट धीरे धीरे इसकी रेटिंग 4.2, फिर 3.8, फिर 2.6, फिर 1.3 हुई और साथ में 1.2 तक रेटिंग आ गई थी। 1.1 तक भी इसका रेटिंग आ गया था। बट क्यों हुआ ऐसा हालात और क्यों अब फिर से ये 4.4 पे पहुंच गई है, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताएंगे आपको। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइएगा। दरअसल हुआ ऐसा था कि एक हमारे भाई साहब कैरी मिनाटी थे और एक हमारे भाई साहब थे अमर सिद्दीकी, जो दोनों आपस में फाइट करने लगे यूट्यूबर से टिकटॉक की जंग। यूट्यूबर से टिकटॉक के जंग में उन्हें शायद अमीर भाई को पता नहीं थी कि कैरी मिनाटी कितने बड़े पॉपुलर आदमी हैं और इनके फैंस कितने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो इन्हें पता नहीं था शायद, इसलिए अमीर भाई ने कैरी मिनाटी भाई और बहुत सारे ऐसे रोस्टिंग चैनल्स वालों को टैग किया और उन्हें ये बताने की कोशिश की कि यूट्यूब जो है वो टिकटॉक से बहुत ज़्यादा नीचे का प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक जो है यूट्यूब से काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि यूट्यूब हमारे ही कंटेंट वगैरह चुरा के अपना पैसा कमाता है ये सब। उस पर कैरी मिनाटी भाई ने टिकटॉक एक वीडियो बनाया था, टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब द एंड, जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ जो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। भारत का नंबर वन चैनल ऐसा वीडियो बन चुका था जिसपे 10 मिलियन से प्लस लाइक थे। इससे पहले एक फिलहाल सॉन्ग था जिसपे 6.8 मिलियन लाइक थे, लेकिन यह चैनल लगभग 11 मिलियन लाइक पे पहुंच चुकी थी, 11 मिलियन लाइक, जो कि भारत का सबसे नंबर वन मोस्ट लाइक वीडियो बन चुका था। साथ में यह दुनिया का भी सबसे नंबर वन मोस्ट लाइक वीडियो बनने ही वाला था। वैसे ही आमिर सिद्दीकी और उसके फैंस ने इनके चैनल पे जाके इसके इस वीडियो को इतना सारा रिपोर्ट मारा कि ये वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। उसके बाद होती है जंग शुरू। उसके बाद कैरी भाई के बहुत सारे फैंस इतने नाराज हो गए, साथ में उनके दोस्त वगैरह जो टेक्निकल गुरु जी थे, सम्राट की पाठशाला और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जो इस बातों से काफ़ी ज़्यादा खफा हुए और अपने उन्होंने यूट्यूब चैनल पे टिकटॉक की बुरी हालत करने का सोच लिया और वीडियो बना बनाकर टिकटॉक को डिलीट और 1 पॉइंट रेटिंग देने की बात की। टेक्निकल गुरु जी ने तो अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी बनाया था क्लीन फ़ोन, वो भी टिकटॉक को डिलीट करके बहुत सारे फ़ोनों से। तो इस तरह से काफ़ी सारे यूट्यूब के फैंस मिलकर टिकटॉक को रेटिंग करने लगे। टिकटॉक रेटिंग 20 मिलियन पे थी 4.6। उसके बाद से सिर्फ 3 दिनों में टिकटॉक की रेटिंग की हालत ख़राब हो गई और हो गई 1.3। पहले तो सभी लोगों ने 1 स्टार देने के बाद बहुत सारे गालियाँ दी टिकटॉक के रेटिंग में जाकर। उसके बाद उसे लोगों ने ब्लॉक रिपोर्ट भी मारना शुरू किया। हाँ, बहुत सारे गंदी बातें लिखी हुई थी प्ले स्टोर के रिव्यू में, मैं भी जाके देखा था, खुद मैंने भी 1 स्टार दिया था, बट प्लेटफॉर्म अपने जगह। इस तरीका ऐसे तो टिकटॉक सेफ नहीं है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीका सेफ नहीं है वो बताऊंगा आपको। पर अभी बात करते हैं कैरी भाई और अमीर भाई के बारे में। बात तो दोनों के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि अमीर भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। अमीर भाई के चैनल पे बहुत सारे ऐसे अमीर भाई के वीडियोज, अमीर भाई का जो अकाउंट था टिकटॉक पे उस पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिले थे जो बहुत ही हेटफुल व बहुत ही गंदी थी। जैसे एसिडिटी का वीडियो हाल ही में लॉन्च हुआ था, हाल ही में अमीर भाई के भाई ने डाला था, जिसे बहुत सारी टिकटॉक बैन होने की मांग भी उठ गई थी। चलिए तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि टिकटॉक की हालत ऐसी क्यों हुई थी। चलिए तो टिकटॉक की हालत, जब लोगों ने 1 स्टार देना और इसमें गंदी बातें लिखना शुरू किया तो लगभग 9 मिलियन रिव्यूज, वो भी सिर्फ 4 डेज में। 9 मिलियन का मतलब 90 लाख लोगों ने सिर्फ 4 दिनों के अंदर प्ले स्टोर पर जाकर 1 स्टार रेटिंग दिया और साथ में टिकटॉक की रेटिंग जो है 4.6 से 1.1 तक कर दिया। तो सोच रहे कितने ज़्यादा फैंस होंगे। वहीं पे अगर बात करें YouTube की रेटिंग में, तो YouTube की रेटिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह से पता चलता है कि टिकटॉक के जो फैंस होते हैं सिर्फ देखने के लिए होते हैं, बल्कि YouTube के जो फैंस होते हैं वो कुछ करने के लिए भी होते हैं। तो इस तरह का समीर भाई ने पंगा लिया और फिर टिकटॉक की मां बैन कर दी। फिर बात आती है टिकटॉक बैन होने की मांग, तो ट्विटर पे बहुत सारे हैशटैग कैरी मिनाटी के वीडियो डिलीट होने के बाद ट्रेंड होने लगा, जस्टिस फॉर कैरी, कैरी मिनाटी वीडियो बैक, हैशटैग कैरी मिनाटी, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स होने लगे। हैशटैग बैन टिकटॉक इन इंडिया, हैशटैग बैन टिकटॉक, ये भी ट्रेंड हुआ था टिकटॉक ट्विटर पे, जिसे बहुत सारे लोगों ने, लगभग बहुत से लाखों लोगों ने इस पर ट्वीट किया था और बोला था कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए इंडिया में। किस क्यों बैन होना चाहिए इसकी भी मांग उठी थी, जिसमें
इसका कदम भी उठाया गया। और टिकटॉक ने आमिर सिद्दीकी के अकाउंट, उसके टीम नवाब जो चैनल था यूट्यूब पे, टिकटॉक पे अकाउंट था, उसको डिलीट किया। साथ में हेटर्स यूट्यूब के फैंस ने उस अमीर भाई की, और साथ में उनके अमीर भाई को जो जो सपोर्ट किए थे, सब की जम के लिए एकदम, मतलब बदला जम के लिए गाइज। यूट्यूब पे जैसे ही कोई, जैसे मिस्टर फैस हुए या अमीर भाई हुए या कोई भी जो अमीर भाई को सपोर्ट कर रहा था, वो अपना टिकटॉक यूट्यूब पे वीडियो डालता था, उसको इतने सारे डिसलाइक मिल रहे थे, इतने सारे कि आप कह नहीं सकते कि कितना। वही साथ में मिस्टर फैसू ने भी अमीर सिद्दीकी को सपोर्ट किया था, तो उन्होंने भी अपना एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जो वर्ल्ड का मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन चुका है। साथ में ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आदमी अच्छा था मिस्टर फैसू, बट थोड़ा सा भेदभाव करता था और थोड़ा सा बिहेवियर से अच्छा नहीं था, सो इसलिए चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो ना हुआ सो भी अच्छा हुआ। तो टिकटॉक की रेटिंग फिर से वापस हो रही है और 1.1 से रेटिंग 4.4 हो चुकी है। तो इस तरीका से पता चलता है भाई, आपस में भाईचारा खत्म करने से कुछ नहीं होता, बड़े लोग जो है ना लगा लेते हैं अपना उपाय। तो प्ले स्टोर और टिकटॉक ने मिलकर दोनों ने आपस में बात किया और टिकटॉक वाले ने दे धसा के इतने सारे पैसे दिए प्ले स्टोर वाले, क्योंकि प्ले स्टोर ने 9 मिलियन रिव्यू को डिलीट कर दिया और फिर से टिकटॉक को बना दिया इंडिया का नंबर वन ऐप। वहीं पे टिकटॉक 1 बिलियन डाउनलोड, यानी कि लगभग 100 करोड़ लोग, मान लो कि अपना एक भारत ऐसा इतना बड़ा देश ने टिकटॉक को डाउनलोड कर रखा है। टिकटॉक कहीं सेफ नहीं है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, देखना अगली वीडियो में। अभी फिलहाल बात करता हूँ कि क्या टिकटॉक बैन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से टिकटॉक बैन ना होना चाहिए, उसमें कुछ सुधार आना चाहिए। गवर्नमेंट को या जो कानून मंत्री है उनको इसमें कुछ लिस्ट वगैरह देना चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए उनको क्या क्या ना होना चाहिए। इधर मैं दे दूंगा लिख के क्या क्या नहीं होना चाहिए। आई थिंक अगर आपको भी कुछ हो तो कमेंट करके बताना। तो ऐसे सुधार करने के बाद टिकटॉक को सेफ रहने दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे देश, हालांकि चीन से टिकटॉक लॉन्च हुआ है बट चीन में ही टिकटॉक बैन है, 100 शर्तों के साथ टिकटॉक चीन में चलता है। तो बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना।